ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इसराइल के जवाबी हमले से ईरान को बचाने के लिए रूस अब उसकी ढाल बनकर सामने आया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि रूस ईरान को अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिससे ईरान इसराइल के संभावित हवाई हमले का सामना कर सके। लेकिन ईरान और इसराइल के इस घमासान में रूस बाहर से तो कुछ और ही दिखा रहा है। रूस का कहना है कि वो दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ईरान को ये भरोसा दिया है कि वो इसराइल अटैक से बचाने में उसकी मदद करेगा। दरअसल अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी से फोन पर बात की है। इस दौरान पुतिन ने तनाव को कम करने का आग्रह किया है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। पुतिन ने 16 अप्रैल 2024 को ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने 13 अप्रैल 2024 को ईरान के इसराइल पर हमले के बारे में बातचीत की है। आपको बता दें कि रूस ने इस हमले को जवाबी उपाय माना है। पुतिन का कहना है कि सभी पक्षों को किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए, जिससे मिडिल ईस्ट में भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। क्रेमलिन ने अपने बयान में आगे कहा कि पुतिन ने सभी पक्षों से उम्मीद की है कि वो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से संयम बरतेंगे और ऐसे किसी तनाव को भड़काने से बचेंगे जिससे पूरे मध्य पूर्व के लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं। क्रेमलिन ने अपने बयान में आगे कहा कि इब्राहिम रायसी ने कहा कि ईरान की कार्रवाई मजबूरी और सीमित प्रकृति की थी। साथ ही उन्होंने तनाव को और बढ़ाने में तेहरान की अनिच्छा पर जोर दिया है। आपको बता दें कि पुतिन ने ईरान के हमले पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा स्थिरता की असली जड़ इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष है, जो अभी तक जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस बातचीत को लेकर ईरान के राष्ट्रपति भवन का कहना है कि फोन पर बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति रायसी ने ईरान के इसराइल पर हमले को लेकर रूस ने जो स्टैंड लिया है उसको लेकर ईरान रूस का धन्यवाद करता है। ईरान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता और पश्चिमी देशों की विनाशकारी भूमिका की वजह से ईरान को इसराइल पर हालिया हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।